स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग. क्लास सेवेंथ हिंदी फर्स्ट सेकंड चैप्टर फर्स्ट लेक्चर. बेटा चैप्टर का नाम है दान का हिसाब. दान का हिसाब, इसमें एक राजा के बारे में बताया गया है. जो राजा कंजूस था, वो अपनी प्रजा की मदद नहीं करता था, उसे क्या हिसाब देना पड़ा, इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया है दान का हिसाब. चलिए चैप्टर शुरू करते हैं. राजा और प्रजा के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, इस चैप्टर में ये बताया गया है. चलिए चैप्टर शुरू करते हैं. एक राजा था और वो राजा लगदग कपड़े पहनकर यूं तो हजारों रुपए खर्च कर देता था अपनी साल सौगत में. बेटा वो हजारों रुपए खर्च कर देता था, लेकिन जब दान की बारी आती थी तो वो कंजूसी कर जाता था. तो एक दिन उसकी सभा में कुछ निर्धन दुखी विद्वान सज्जन, ये ऐसे लोगों में से कोई आता था अगर, तो राजा उनका बिल्कुल स्वागत नहीं करता था. और एक बार क्या हुआ कि एक बार देश में अकाल पड़ गया और पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे. और राजा के पास आकर समाचार आया, राजा के पास आया कि वो बोले ये तो भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है. तो लोगों ने कहा महाराज राजभंडार में आपकी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों में अनाज खरीद कर दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सके. तो राजा कहता है आप आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल कोई और परेशानी लगेगी, कभी भूकंप आएगा, कभी कुछ होगा, तो हम कहाँ तक किसी की मदद करेंगे. तो राजा कहता है ऐसे करते करते तो हमारा दिवालिया निकल जाएगा. तो वो सुनकर कभी निराश होकर सभी लौट गए जो लोग आए थे. अब इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था, ना जाने रोज कितने लोग भूख के मारे परेशान हो गए. लेकिन राजा के पास जब जाते हैं तो वो कहता है कि सब कि मैं किसी की मदद नहीं कर पाऊँगा, हजार रुपए हमें दे दो, वो लोग कहते हैं. तो राजा कहता है कि हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह सकते हैं. तो राजा ने कहा 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं, उन्हें कष्ट से जीवित रहकर उसने कहा 10,000 रुपये दे दो. तो राजा उसके लिए मना कर देता है. तब एक व्यक्ति कहता है भगवान की कृपा से आपके पास लाखों रुपए राजकोष में है, लेकिन धन का सागर हो, आप उसमें से एक आधा लोटा दे दोगे तो कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा आपका. लेकिन बेटा राजा क्या करता है कि मदद करने से मना कर देता है. तो एक व्यक्ति आता है जो महल में प्रतिदिन हजारों रुपए का, वो कहता है कि हजारों रुपए सुगंधित वस्त्रों मनोरंजन और महल की सजावट में जो खर्च होते हैं, इसमें से अगर थोड़ा सा ज़रूरतमंदों को मिल जाएगा तो दीन दुखियों की जान बच जाएगी. तो ये सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि खुद भिखारी होकर मुझे ज्ञान मत सिखाओ, मेरा रुपया है मैं चाहे जैसे खर्च करूँ, चाहे तलवार मेरी मर्जी, तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे. राजा का गुस्सा बढ़ता ही चला गया तो वहाँ से सब लोग खिसक गए. राजा का क्रोध देख कर वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं. तो राजा हंसते हुए बोला कि छोटे मुँह बड़ी बात. ये आपने बेटा मुहावरा सुना होगा, अगर सौ 200 रुपये में होते तो मैं सोचता भी, लेकिन इतनी भारी रकम मैं नहीं दे सकता, राजा मना कर देता है. तो ये सुनकर वहाँ उपस्थित लोग, उन लोगों को बुरा भी लगा, लेकिन वो लोग डर के मारे कुछ कह नहीं सकते थे राजा से. अब एक दिन क्या होता है कि बूढ़ा व्यक्ति एक सन्यासी आ जाता है राजसभा में और उसने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि दाता कर्ण महाराज बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ और सन्यासी की इच्छा पूरी करो. तो अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, या थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल जाए. तो सन्यासी कहता है कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अधिक धन का क्या करूँगा, मैं राजकोष में 20 दिन तक मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ. मेरा भिक्षा लेने का ये नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उससे दुगना लेता हूँ, तीसरे दिन उससे दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन से भी दुगना, इसी तरह से प्रतिदिन दोगुना लेता चला जाता हूँ. भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है. अब बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश, आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए. ये बेटा शब्द अर्थ हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको ये लर्न भी करना है. अगला लेक्चर कल पढ़िएगा. थैंक यू क्लास.